आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। भगवान शिव की नगरी माना जाता है सिवनी को शनिवार 16 मार्च 2024 दोपहर में अचानक ही मेघ गरजने लगे, बरसने लगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। यहाँ आप देख सकते हैं आवारा मवेशी भी पानी से बचने के लिए दुकान के पास जाकर खड़े हो गए हैं नगरपालिका परिषद को आईना दिखाते हुए। बारिश का मौसम अचानक ही बना और बारिश आरंभ हो गई और झमाझम पानी बरसा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। ये देखिए, यहाँ पर पानी आपको बरसता हुआ दिख रहा होगा और पानी नाली में जाता हुआ भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। पिछले लगभग 4-5 दिनों से गर्मी थोड़ा सा बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। दोपहर के समय गर्मी मौसम काफ़ी शुष्क हो जाता था और गर्मी काफ़ी बढ़ जाती थी। अचानक ही शनिवार को बारिश आरंभ हुई, यहाँ आपको दिख रही होगी बारिश होती हुई। दरअसल एक विक्षोभ सक्रिय हुआ है, मौसम विभाग के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि विक्षोभ सक्रिय हुआ। उस विक्षोभ के द्वारा जो स्थितियां निर्मित की गई हैं उससे बारिश हो रही है और सूत्रों ने इस बात के संकेत भी दिए हैं कि रविवार, सोमवार, मंगलवार को भी बारिश होने की संभावनाएँ हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे, आपको ये यहाँ बैरिकेड्स लगे हुए दिख रहे होंगे। ये देखिए, बारिश का पानी यहाँ गिरता हुआ दिख रहा होगा, बारिश का आनंद लोग ले रहे यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। चौक चौराहे पर बारिश के कारण, वैसे भी शनिवार को बाजार अघोषित तौर पर बंद रहता है, अब गुमाश्ता के चलते वो स्थितियाँ शायद नहीं बची हैं, पर इस सब के बाद भी शनिवार को बारिश बाजार बंद रहते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको आसमान पर बादल घुमड़ते भी दिखाई दे रहे होंगे, आसमान पर बादलों का डेरा स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा होगा। प्रतिष्ठान लगभग बंद हैं और बारिश झमाझम होती हुई दिख रही है। वैसे बारिश का वेग बहुत ज़्यादा तो नहीं था, पर बारिश ये देखिए यहाँ पर ऊपर से छत से गिरता हुआ पानी आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा होगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। बारिश होती हुई सामने आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ सड़कें गीली नजर आ रही हैं, सड़कों के आसपास भी नमी नजर आ रही होगी। दरअसल धीरे धीरे बारिश के चलते मौसम में भी काफी हद तक ठंडक घुलती हुई प्रतीत हुई। ठंडक काफी हद तक, मौसम जो गर्म मौसम था वो दोपहर के बाद थोड़ा सा सुहाना होना आरंभ हो गया। बहुत ही सुंदर, ये कहा जाए कि अनुभूति बहुत अच्छी लोगों को होती हुई नज़र आ रही थी। बारिश के चलते आवारा मवेशी भी सड़क पर दिखाई दे रहे हैं, जो नगरपालिका परिषद, कांग्रेस शासित नगरपालिका परिषद को आईना दिखाने के लिए पर्याप्त मानी जा सकती है। विधायक भाजपा के हैं, सांसद भाजपा के हैं, प्रदेश में सरकार भाजपा की है, केंद्र में सरकार भाजपा की है, नगरपालिका परिषद कांग्रेस की है, पर कांग्रेस शासित नगरपालिका परिषद की मशकें कसने की कवायद कोई नहीं कर रहा है। ये देखिए, यहाँ पर आपको बांस और लोहे के पोल आपको दिखाई दे रहे होंगे, बैरिकेड्स जैसे। दरअसल आवारा मवेशी यहाँ आते हैं और मलमूत्र त्याग करते हैं, सुबह से दुकानदार यहाँ पर आकर उसे उसकी सफाई करते हैं। उससे बचने के लिए दुकानदारों के द्वारा, ये देखिए यहाँ बांस रखे हुए आपको दिख रहे होंगे, और पूरे स्मृति धर्मशाला कॉम्प्लेक्स यहाँ से लेकर वहाँ तक बांस आपको दिखाई दे रहे होंगे। लगभग 2 सालों से नगरपालिका परिषद को बार बार कहने के बाद भी इन आवारा मवेशियों को पकड़ना पालिका के द्वारा आरंभ नहीं किया गया। दुकानदारों के द्वारा अपने प्रतिष्ठानों को गंदगी से बचाने के लिए, मलमूत्र से बचाने के लिए, आवारा मवेशियों के मलमूत्र से बचाने के लिए ये एक जुगाड़ निकाला है। उनके द्वारा दो दो बांस लगा दिए जाते हैं ताकि रात के समय जब वे जाएं उसके बाद आवारा मवेशी यहाँ ना बैठें और यहाँ पर मलमूत्र त्याग ना करें, अन्यथा सुबह से उन्हें इसकी सफाई करने पर मजबूर होना पड़ता है। 2 सालों से यहाँ के दुकानदार बहुत सुखी हैं। सुखी इस मायने में है कि यहाँ जो आवारा मवेशियों के द्वारा गंदगी की जाती थी वो गंदगी अब नहीं की जा रही है।
भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हों, नगर अध्यक्ष हों, नगर मंडल के दोनों नगर मंडलों के अध्यक्ष हों, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हों, कांग्रेस के नगर अध्यक्ष हों, सभी को इस बारे में बताने के बाद भी जब किसी के द्वारा भी कोई यहां पर कदम नहीं उठाए गए तो यहां के दुकानदारों के द्वारा अब खुद ही मजबूरी में इस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं, खुद ही उनके द्वारा बांस लगाकर बैरिकेड जैसे बांस लगा दिए जाते हैं रात में जब वे जाते हैं। चूँकि आज शनिवार के दिन प्रतिष्ठान बंद रहते हैं इसलिए दिन भर हटाए नहीं गए हैं, पर यहाँ जो दिख रहा है ये नगर पालिका परिषद की कार्यप्रणाली को बताने के लिए पर्याप्त माना जा सकता है। ऊपर आपको बादल दिखाई दे रहे होंगे, आसमान पर बादलों का डेरा है और मौसम विभाग के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को ये बात भी बताई है कि रविवार 17, सोमवार 18 और मंगलवार 19 मार्च को भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। जिस तरीके के संकेत मौसम के पूर्वानुमान से मिल रहे हैं उससे यही कहा जा सकता है कि आने वाले समय में भी झमाझम बारिश हो सकती है। आसमान पर बादलों का डेरा साफ दिखाई दे रहा होगा, मौसम में फिजा में ठंडक घुल चुकी है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हो तो आपने लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।